हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है बलराम और आज हम आए हैं यहाँ पर मुकुट मणिपुर डैम पर टू टेस्ट दिस एफएक्सएल 170 डिग्री वाइड एंगल लेंस, जो कि बजट प्राइस में मोबाइल के लिए एक बहुत ही कमाल का सुपर वाइड एंगल लेंस है। तो यहाँ पर हम आपको इसका एक रिव्यू देंगे, साथ ही यहाँ पर मैं आपको कुछ फोटोज और वीडियोस कैप्चर करके दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि इस वाइड एंगल लेंस से आपको कैसा फोटो और वीडियो क्वालिटी मिल सकता है। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। अब इस लेंस का रिव्यू देने से पहले हम जल्दी से इस लेंस को एक बार अनबॉक्स करके देख लेते हैं, बॉक्स के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो ब्लू एंड व्हाइट कलर का है ये बॉक्स, सामने की तरफ प्रोडक्ट का फोटो और इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है, पीछे की तरफ प्रोडक्ट की कुछ और डिटेल्स है। अंदर आपको मिलता है एक प्लास्टिक पैकेजिंग जिसके अंदर आपको तीन प्रोडक्ट देखने को मिलता है, एक ही लेंस का क्लिप जो कि पूरा मेटल का बना हुआ है और इसका क्वालिटी काफी कमाल का है। उसके बाद आपको मिलता है एक रबर केस जिससे कि आप लेंस को कैरी करेंगे और इस केस का क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। मुझे लगता है ये केस है ये वाटरप्रूफ भी होगा, तो अगर आप इसके अंदर अपने लेंसेज को रखते हो और थोड़ा बहुत बारिश की वजह से वो भीग जाता है तो आपके लेंसेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और उसके बाद आपको मिलता है ये बहुत ही कमाल का एफएक्सएल 170 डिग्री सुपर वाइड एंगल लेंस। अब रिव्यू शुरू करते हैं प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी से। तो ये जो लेंस है इसका पूरा फ्रेमिंग मेटल का बना हुआ है, साथ ही इसका जो क्लिप था वो भी पूरा मेटल का था, तो बिल्ड क्वालिटी इसका बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। अब ग्लासेस के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं क्योंकि इसको लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद ही बोला जा सकता है। अभी नए नए ग्लासेस तो बहुत ही कमाल के दिख रहा है और एफएक्सएल वाले बोल भी रहे हैं कि ये जो ग्लासेस है बहुत ही हाई क्वालिटी ग्लासेस है, लेकिन जब तक मैं इसको लगभग 2 से 3 महीना इस्तेमाल नहीं कर लेता तब तक मैं नहीं बोल सकता कि इसका जो ग्लासेस है ये अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ग्लासेस लग रहा है और फोटो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आ रहा है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसका बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। अब दोस्तों ये एक सुपर वाइड एंगल लेंस है और इसका फील्ड ऑफ व्यू है 170 डिग्री। अब काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि एक वाइड एंगल लेंस होता क्या है, उसका काम क्या होता है, किस तरीके फोटो या फिर वीडियो क्लिक करने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो वाइड एंगल लेंस का काम होता है कि आपको एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू देना। अब मान लीजिए यहां पर आप एक सेल्फी क्लिक कर रहे हो तो सेल्फी में आपका छाती तक का एरिया आएगा, ये नॉर्मल फील्ड ऑफ व्यू है। लेकिन वहीं अगर आप एक वाइड एंगल लेंस यूज करेंगे तो सेल्फी में आप अपनी पूरी बॉडी को कैप्चर कर सकते हो। तो वाइड एंगल लेंस का यही काम है, आपको एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू देना। अब वाइड एंगल लेंस को यूज करके लोग ब्लॉगिंग, मोटो ब्लॉगिंग, सिनेमेटिक वीडियोग्राफी, लैंडस्केप, काफी तरीके के क्रिएटिव कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और ये कंटेंट देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है, क्योंकि जो चीज हम अपने आंखों से देख रहे हैं सेम चीज को हम अपने फोन या फिर कैमरे को यूज करके कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम एक वाइड एंगल लेंस को यूज करेंगे तो हमें जो व्यू मिलेगा वो आंखों से दिखा हुआ व्यू से कहीं ज्यादा डिफरेंट होगा, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। अब जरा आपको इस लेंस की फील्ड ऑफ व्यू का आइडिया दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं नॉर्मल फोन से फोटो क्लिक कर रहा हूँ। अब अभी मैं यहाँ पर वाइड एंगल लेंस को सामने अटैच करता हूँ तो आप जरा फील्ड ऑफ व्यू पर जो चेंज होता है उसको देखना। तो अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से फिट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो वाइड एंगल लेंस का काम यही है कि आपको एक बहुत ही बढ़िया वाइड फील्ड ऑफ व्यू देना। अब दोस्तों चाहे DSLR का वाइड एंगल लेंस हो या फिर मोबाइल का वाइड एंगल लेंस हो, हर एक वाइड एंगल लेंस में कुछ कॉमन प्रॉब्लम होता है, जैसे कि फोटो के चारों तरफ ब्लैक बॉर्डर आ जाता है या फिर फोटो में कहीं ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ जाता है या फिर फोटोज़ की एजेस सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन ये जो एफएक्सएल का 170 डिग्री वाइड एंगल लेंस है इसमें आपको फोटो के चारों तरफ कोई भी ब्लैक बॉर्डर नहीं मिलता है, साथ ही इसका जो डिस्टॉर्शन है वो बहुत ही कम है। मैंने यहाँ पर कुछ इनबिल्ट वाइड एंगल कैमरा वाले स्मार्टफोन यूज करे हैं, उसमें मुझे जो भी सारा डिस्टॉर्शन देखने को मिला है उससे कहीं ज्यादा कम डिस्टॉर्शन मुझे इस लेंस से मिला है। तो हाँ, डिस्टॉर्शन इस लेंस के अंदर भी है लेकिन इसका डिस्टॉर्शन बहुत ही कम है। और एक प्रॉब्लम मैंने इस लेंस के साथ फेस करे है, इस लेंस से खींची गई फोटोज के कॉर्नर पर आपको थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस देखने को मिलेगा। सॉफ्टनेस बहुत ही कम है लेकिन है, थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस आपको फोटोज के एजेस पर देखने को मिलेगा। और हाँ, मोबाइल के लिए ऐसा कोई भी वाइड एंगल लेंस नहीं है जहां पर आपको एजेस बिल्कुल ही शार्प मिलेंगे, तो उस हिसाब से इस लेंस से जो फोटोज प्रोड्यूस होते हैं वो काफी कमाल के होते हैं। तो ओवरऑल ये लेंस बहुत ही कमाल का है, खास करके इस लेंस का जो प्राइस है उस हिसाब से ये लेंस बहुत ही कमाल का है। इसका प्राइस है 1799, जो कि आपको एफएक्सएल इंडिया के वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप चाहो तो वहां पर से डायरेक्टली इसको खरीद पाएंगे। तो फाइनली मैं यही कहूंगा, ये लेंस बहुत ही कमाल का है, इस प्राइस पॉइंट में ये लेंस बहुत ही कमाल का है। तो अगर आप लैंडस्केप, ब्लॉगिंग ऐसे पर्पज के लिए एक वाइड एंगल लेंस लेना चाहते हो तो मेरी तरफ से ये लेंस आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, आप इस लेंस को जरूर खरीद सकते हो।
तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।